जी नमस्कार, जय भीम। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने अभी अभी NDTV पर एक इंटरव्यू के दौरान बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। जहाँ से भी योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, वहीं से चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। आइए दिखाते हैं आपको NDTV पर एंकर सौरभ शुक्ला के द्वारा पूछे गए सवाल में चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा। क्या जी चंद्रशेखर खुद चुनाव लड़ेंगे? क्या चंद्रशेखर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो आपने कौन सी सीट चुनी है या किस नेता के खिलाफ आप तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने की? देखिए सौरभ भाई, पहले तो ये फैसले पार्टी की बोर्ड के हैं, जो हमारी कोर कमेटी उनके फैसले हैं। लेकिन अगर आप मेरे दिल से पूछेंगे, मेरी इच्छा पूछेंगे, तो मैं बता दूं, क्योंकि लोकतंत्र है भाई, अपनी पार्टी में मुझे अपनी बात रखने के अधिकार है। तो अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे, जो वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि उन्होंने पिछले 4.5 साल में जो दुख तकलीफ उत्तर प्रदेश की जनता को दी है, जिस तरह से 79% आरक्षण घोटाला हुआ, पिछले वर्ग की रिपोर्ट के बाद उन्होंने न्याय नहीं किया, तो ऐसे निर्दयी मुख्यमंत्री के खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा और उनको सत्ता सदन में नहीं घुसने दूंगा, ये मेरा विश्वास। तो आप जहां योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, मैं वहां चुनाव लड़ूंगा। तो ये एक अगर बड़ी पार्टी ने घोषणा कर मौका रहे दिया हैं तो आप लड़ूंगा। NDTV पर, एक बड़ी घोषणा कर रहे हैं NDTV पर आप कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार क्या हुआ था ना लोकसभा में, मैंने देश के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी लड़ने का फैसला लिया था, लेकिन पिछली बार हमारा दल नहीं था, तो बहन जी ने कह दिया कि चंद्रशेखर वहां लड़ेंगे तो मोदी जीत जाएंगे, चंद्रशेखर बीजेपी की मदद कर रहे हैं, तो मैं नहीं लड़ा। लेकिन इस बार हमारा दल है, और अगर पार्टी मौका देगी तो मैं कमिटमेंट कर रहा हूं कि कि मैं योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, वो कोई सी सीट तय कर ले। और ऐसा नहीं मैं 100 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, मैं वहां लड़ूंगा जहां योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। मेरे लिए सदन में जाना नहीं, मेरे लिए उनको सदन से रोकना बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी आप एक चीज तो और समझिए सौरभ भाई, जी 403 विधानसभा की सीटें हैं, जी 86 जिसमें आरक्षित हैं, 84 शेड्यूल कास्ट के लिए, 2 शेड्यूल ट्राइब के लिए, उसके बाद बची 317 सीटें, उन पर भी हमें चुनाव लड़ाना है। तो हमारी तैयारी पूरे उत्तर प्रदेश में है, उन सीटों पे जैसे हम अभी सामान्य जाति के लोगों को नहीं लड़ा रहे हैं, तो उन सीटों पे हम दलित नौजवानों को, जो रिजर्व जनरल सीटें हैं, दलित नौजवानों को, ठीक मुस्लिम भाइयों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, और जो अन्य ईसाई सिख दलित समाज की सभी जातियों को, सब लोगों को हम लड़ाने काम करेंगे 403 विधानसभा पे, अगर पार्टी ने तय किया अकेले जाना। इसके बाद आपको बता दें कि एंकर सौरभ शुक्ला ने उनसे पूछा कि यदि आप अकेले योगी आदित्यनाथ से फाइट करेंगे चुनाव में, तो कहीं ना कहीं आप अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो बहन जी से इसके बारे में अपील करेंगे कि वो अपना कैंडिडेट वहां पे ना उतारें। तो इसके बारे में चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा, वो भी सुने। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सीएम कैंडिडेट फेस हैं, तो उनको रोकना जरूरी है। तो क्या तो बहन जी लड़ लें, या अखिलेश भाई लड़ लें, या फिर वो नहीं लड़ते तो मुझे छोड़ दें कि मैं लड़ू। देखिए ऐसा है ना, वो बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता उत्तर प्रदेश के, उनके खिलाफ लड़ने के लिए ताकतवर व्यक्ति चाहिए। मैं समझता हूं कि मैं ताकतवर हूं और मैं उन्हें हरा सकता हूं, तो मेरा मेरी ये मांग रहेगी कि भाई इस पे विपक्ष के लोग भी सोचें, और अगर वो उनकी मदद करने के लिए कोई प्रत्याशी लड़ाएंगे तो अलग बात है। बेसिकली जब मैं जनता के बीच जाऊंगा तो जनता जानती है कि ये व्यक्ति बिकाऊ व्यक्ति नहीं, टिकाऊ व्यक्ति, और ये लड़ेगा और ये भागेगा नहीं मैदान छोड़ के, और ना मैं CBI इनकम टैक्स से डरता ना मुकदमे से। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लड़ूंगा तो पूरी मजबूती से लड़ूंगा, और फिर सदन में नहीं जाने दूंगा, वो रास्ता जो है ना बंद कर दूंगा, जिसने पिछले 4.5 साल से उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था के नाम पे, भाईचारे के नाम पे जो ठगने का काम किया, यूपी की जो सरकार है, ठीक है, जिस तरह का ये माहौल बनाने का काम चंद्रशेखर किया, इस सरकार के मुखिया को नहीं घुसने देंगे। चंद्रशेखर आजाद के इस फैसले पर, जो कि यूपी की सियासत से जुड़ा हुआ एक अहम फैसला है, एक वो पार्टी जो अभी अभी चुनावी मैदान में उतरी है, उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार है, जो कि कई बार अपने गढ़ से सांसद चुने जा चुके हैं और फिलहाल में सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो इस पर, यानी कि चंद्रशेखर आजाद के इस विचार पर आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बहुजन समाज से जुड़ी और भी बड़ी खबरें हम आपको यहां पर दिखाते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय भीम।